ये हमारा टाइप 14 का क्वेश्चन है। ए 100 mm लॉन्ग लाइन PQ इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP एंड 45 डिग्री टू VP। इट्स मिड पॉइंट इज 30 अबव द HP एंड 50 mm इन फ्रंट द VP। एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए थे उसमें क्या होता था कि अगर ये हमारी एक लाइन होती थी तो लाइन के इंड फर्स्ट इंड या सेकेंड इंड की पॉइंट की लोकेशन दी होती थी अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए। पर ये क्वेश्चन में क्या किया है, क्वेश्चन की लाइन के मिड पॉइंट की मीन्स अगर पूरी लाइन की लेंथ 100 दे रहा है तो 50 mm पे जो पॉइंट है उसकी लोकेशन क्या है वो दे रहा है। ना ही आपको वन इंड बता रहा है ना ही सेकेंड इंड बता रहा है, उस लाइन का आपको क्या बता रहा है, मिड इंड बता रहा है। क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, उसमें ध्यान से देखिएगा। गिवन में वही है, 100 mm की लाइन है जो थीटा जिसका कितना दिया है 30 दिया है, फाई कितना दिया है 45 दिया, मिड पॉइंट की लोकेशन क्या दिया है 35 mm अबव द HP एंड 50 इन फ्रंट ऑफ द VP। अबव और इन फ्रंट पढ़ के हमें मालूम चल गया है कि ये क्वेश्चन हमारा किस में है, फर्स्ट एंगल में है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले रेफरेंस लाइन बना लीजिए, इसका नाम XY दे दीजिए। ये हमारी क्या है, VP है, ये हमारा HP है। वन इंड नहीं दिया है, जो पॉइंट्स की लोकेशन दिया है वहीं से करते हैं। तो अबव यहाँ से 35 पे एक लाइन पहले ऊपर ड्रा कर लीजिए, नीचे 50 पे रेफरेंस लाइन के पहले एक लाइन ड्रा कर लीजिए। अभी तक आप वन इंड देते थे तो इंड से स्टार्ट करते थे, अभी पॉइंट की लोकेशन मिड है तो आप थोड़ी कोशिश कीजिए कि रेफरेंस लाइन के मिड में किसी एक पॉइंट को क्या कीजिए, आप एज्यूम कर लीजिए। तो ये पॉइंट का नाम हम क्या दे दें, ये मिड पॉइंट है तो हम इसका नाम दे दे रहे हैं M' क्योंकि ये एलिवेशन में है। और अगर हम इसका प्रोजेक्शन क्या करें, नीचे ले आए M' का अगर हम प्रोजेक्शन नीचे ले आएंगे तो नीचे यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, M मिल जाएगा। उसके बाद हमें इसका जो HP से रिलेशन दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रा कर लीजिए, थीटा इक्वल 30 डिग्री। सेम चीज इधर करेंगे, M' के साथ क्या एंगल दिया है फाई 45, तो यहाँ आप क्या करेंगे 45 पे एक लाइन ड्रा कर लेंगे, ये क्या है फाई 45 पे। अभी इतना करने के बाद आपको देखना है कि TL कितना है, 100 है, और ये पूरी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। इस पॉइंट से ऊपर कितना जाना है आपको 50, इस पॉइंट से नीचे कितना जाना है 50। तो आप इस पॉइंट से M' के पॉइंट से ध्यान मीजर कर लीजिएगा कि ऊपर 50 हो जाए आपकी लाइन, और नीचे भी मीजर कर लीजिएगा कि ये लाइन नीचे भी आपकी कितनी हो जाए 50 हो जाए। सेम चीज यहाँ पे भी M पॉइंट से आप नीचे मीजर करेंगे कि 50 है या नहीं है, और M पॉइंट से ही आप ऊपर भी मीजर करेंगे कि 50 है या नहीं है। तो इस तरीके आपकी लाइन बन गई। अब इस लाइन का आप नाम दे दीजिए, अगर ये एलिवेशन में है तो ये A'B' होगा, ये प्लान में है तो इसका नाम क्या हो जाएगा A और B हो जाएगा। इतना बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ एक चीज ये कि आप बुक में जब प्रिफर कर रहे होंगे तो जैसे हम सिर्फ हर जगह पे प्रोजेक्शन ले जाने के बाद भी उसको B' B के ही फॉर्म में रखते हैं, बहुत से जगह पे B1 B2 इस तरीके चेंजेस करते रहते हैं। हम B1 B2 इसलिए नहीं बोलते कि बहुत से बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि P1 है या ये B2 है, बनाने टाइम बना लेते हैं, जब लास्ट में नाम लिखने लगते तो ये B1 वाला या B2 वाला करके गलत नाम लिख देते हैं। इसलिए मैं यही प्रिफर करती हूँ कि अगर B' वाली लाइन में है तो सब B', P' वाली लाइन में तो सब P' एक जैसा, B1 B2 के कंफ्यूजन में लोग आगे पीछे करके गलत कर। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बहुत अच्छे से तब आप 1 2 भी प्रिफर कर सकते हैं, दोनों ही सही है। चलिए इस क्वेश्चन में फिर वही, आप क्या करेंगे, आप इसका प्रोजेक्शन नीचे ले आएंगे। अगर आप A' पॉइंट का प्रोजेक्शन नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा, और ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा।
हम नाप से नहीं बना रहे, तो हमारा ये मत कहिएगा कि मैम का ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया, मेरा ये पीछे आ गया रहे, नहीं। आप डायमेंशनिंग नाप के साथ बनाएंगे तो आप देख लीजिएगा, अगर कहीं कंफ्यूजन लगेगी तो चेक करा लीजिएगा। और इसका प्रोजेक्शन क्या होगा आपका, बी डैश का भी प्रोजेक्शन जब नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बी। मीन्स ये पॉइंट आपका बी हो गया, ये पॉइंट आपका ए हो गया। प्रोजेक्शन नीचे की ओर आ रहा है, एरो हेड लगा लीजिए नीचे की तरफ। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहां पे एक लोकस लाइन डालिए रेफरेंस लाइन के पैरेलल लाइन, यहां पे भी एक लोकस लाइन डालिए, यहां पे भी एक लोकस लाइन कीजिए, यहां पे भी, जहां जहां लाइन के एंड पॉइंट था वहां पे लोकस लाइन लीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन में भी यही होता था, वहां दो एंड होते थे तो उस हिसाब से आती थी लोकस लाइन। यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट दोनों इंड ही हमारे अलग अलग हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग रेफरेंस ये लोकस लाइन ले जा रहे हैं, इतना हो गया। हम ए बी लाइन का भी प्रोजेक्शन अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए डैश, ये ए डैश पॉइंट मिला, इसको हम अगर ऊपर ले जाएंगे हो रही है, ये हमें क्या मिल गया, बी के प्रोजेक्शन से ये हमें बी डैश मिल गया। एरो हेड जरूर लगाइएगा, इस ए के प्रोजेक्शन से हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, ए डैश मिल गया है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप, जो ये एम डैश ए डैश, एम डैश ए डैश, ये वाले एम डैश ए डैश की दूरी को लेके आर्क लगाएंगे, इसको दूरी को कंपास में लेना है, उसका आर्क लगाना है एम डैश पॉइंट से, ये आर्क ऐसे नीचे की ओर आएगा, ये आर्क हमारा नीचे की ओर आएगा, ये आर्क हमारा ये नीचे की ओर आया। आर्क का भी डायरेक्शन दे दीजिए, यहाँ एम डैश ए डैश को आप शिफ्ट करके इस लाइन पे ले आ रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया ए डैश। अब इस ए डैश और एम डैश को आप क्या कीजिए, मिला दीजिए। अब सेम प्रोसेस करना है आपको इस भी साइड, जो ये एम डैश और बी डैश है, एम डैश और बी डैश ये दूरी लेके आपको क्या करना है, कंपास में आर्क लगाना है, और ये आर्क ऊपर की साइड जाएगा हमारा, ये पॉइंट हमारा क्या हो रहा है, इस बी डैश को हम शिफ्ट करके यहां पे ले जा रहे हैं। इस बी डैश को इससे हमें क्या करना है, मिला देना है, इस बी डैश से हमें इसको मिला देना है। तो जो ये ए डैश बी डैश है, ये आपको ब्लैक पेन वाला क्या मिला, उसका एलिवेशन मिला, और जो स्काई ब्लू वाला ए डैश बी डैश थी वो आपकी क्या थी, ट्रू लेंथ थी। काम वैसे ही किया है, करने का कंस्ट्रक्शन का मेथड वैसे ही है, लेकिन यहाँ हमें मिड पॉइंट दिया है, तो जो एक साइड से होता था वो ब्रेक होके दोनों साइड से सेम वैसा ही प्रोसीजर हमें करना पड़ा है। एक बार और ध्यान से देखिए, अगर ऊपर नहीं क्लियर हुआ तो नीचे हो जाएगा। ऊपर वाली ट्रू लेंथ का प्रोजेक्शन ये और ये पॉइंट था हमारा, एक ये है ए और दूसरा हमारी ऊपर वाली लेंथ का प्रोजेक्शन ये है बी, ए और बी। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे लोकस लाइन है ए और बी वाली लोकस लाइन वहां पे ले जाना है, तो ए और एम के बीच की दूरी, ये वाली ए और एम के बीच की दूरी को कंपास में लेके एक आर्क लगाना है, एम पॉइंट से ए को ले जाते हुए एक आर्क लगाना है, वो ये, और इस ए को यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। सेम चीज ए और बी के बीच की दूरी को लेके हम ए और बी की दूरी को लेके हम कंपास से एक आर्क लगाएंगे, एम पॉइंट सेंटर होगा, ये आर्क ऐसे आएगा, तो ये बी शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा, इसको इससे हम मिला देंगे और इसको हम इससे मिला देंगे। तो जो ये ए और बी ब्लैक पेन से मिल रहा है, ये हमें क्या मिल रहा है, उस लाइन का प्लान या एक्स मिल रहा है, जो स्काई ब्लू वाला था वो
ट्रू लेंथ था। अब क्या होता है कि जैसे बहुत लोग इसी को, जो बाद वाला हम प्रोजेक्ट करके ले गए थे, इसी को B1 A1 नाम दे देते हैं, A1 B1, पहले सी AB था, फिर उसी को क्या कर दिया कि B1 A1 कर दिया। इस तरीके अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं भी, जैसे आपको कंफर्टेबल और सही लगे आप कर सकते हैं। पर मोस्टली बुक में ये बी पहली बार में ए बी मिलता है, तो दूसरी बार में उसी को A1 B1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके मिलेगा। ये आपका टाइप 14 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी प्रैक्टिस एक बार नहीं, 3 बार की कर लीजिएगा, क्योंकि ये अभी तो समझ आता है, बाद में बच्चों से एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।